अभी आपको बताएं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम लोग वन से भी लिखते हैं और आई से भी लिखते हैं। मैक्सिमम जगह देखिए कि वन प्लस डेल्टा दोनों आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो या तो इसको हम लोग सेपरेटली अलग से भी प्रूव कर सकते हैं या फिर हम लोग इसी के अकॉर्डिंगली इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस है इसको इधर प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू वन प्लस डेल्टा इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे सेपरेट लेकर के चलेंगे तो इसको भी हम लोग इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ वी प्रूव डेल्टा टू इज इक्वल टू ई टू माइनस टू ई प्लस वन और आई, वन मीन्स आइडेंटिटी ऑपरेटर। नाउ वी प्रूव दिस रिजल्ट सेम एज इट इज, वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वी अप्लाई डेल्टा टू एफ एक्स, वी अपराइट दिस ऑपरेटर फॉर एफ एक्स एंड वी कैन राइट दिस टर्म एज डेल्टा एफ एक्स। दो पार्ट यहां पे, पहले डेल्टा एफ एक्स हम लोग उसको ब्रेक करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको एक बार और डेल्टा हम लोग इसको लगाएंगे, देखेंगे इसका रिजल्ट क्या रहा है। तो डेल्टा एफ एक्स का जो डिफिनेशन है इसके हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एंड दिस टर्म डेल्टा इज लीनियर ऑपरेटर मीन्स वी अप्लाई डेल्टा फॉर दिस फंक्शन माइनस डेल्टा फॉर दिस फंक्शन माइनस डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा को क्या किया हम लोग दोनों पे अभी ऑपरेट कर दिए, फर्स्ट वाले मीटर पे भी अप्लाई किया, सेकेंड वाले टर्म पे भी अप्लाई किया। जो डिफिनीशन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जब उसको हम लोग माइन्यूटली अगर देखेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है कि डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी फर्स्ट टर्म में जो है उसमें हम लोग एच जोड़ेंगे जिसको हम लोग इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बोलेंगे और माइनस के बाद फंक्शन का ओरिजिनल फॉर्म, ये डिफिनेशन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच, तो यहां पे एक एच पहले से और यहां पे क्या था एफ एक्स है तो यहां पे एक एच हम लोग ऐड किए थे, तो एक्स प्लस एच पहले से और एक एच ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स प्लस टू एच माइनस द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एफ एक्स, यानी यहां पे जो फंक्शन का फॉर्मेट है क्या है आपको फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, यानी इस पर हम लोग ब्रेक किए इसको, माइनस डेल्टा एफ एक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस माइनस एफ एक्स, ये आपको डेफिनेशन हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा का। फिर जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा टू एफ एक्स दिस इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टू टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस माइनस प्लस प्लस एफ एक्स, एंड वी कैन राइट दिस टर्म एज ई टू एफ एक्स। पहले भी आपको बताया है कि e का जो पावर आएगा तो यहां पे h के मल्टीपुल में जाएगा, यानी e टू दी पावर n एफ एक्स दिस इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस एन एच, यानी यहां पे जो n है वहां की e के पावर में भी हम लोग लिख सकते हैं, पहले इसको हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो यहां पे 2 है तो लिखेंगे हम लोग ई टू एफ एक्स माइनस टू फंक्शन ऑफ x प्लस एच मीन्स ई एफ एक्स प्लस वन एफ एक्स, वन मीन्स आइडेंटिटी ऑपरेटर एफ एक्स, डेल्टा टू माइनस टू ई प्लस वन एफ एक्स, देयर फोर वी कैन राइट डेल्टा टू इक्वल टू ई टू माइनस टू ई प्लस वन, एंड दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट वी एस्टैब्लिश द रिलेशन डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू ई टू द पावर वन बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस वन बाई टू,
यानी इट इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर. एज इट इज वी प्रूव द रिजल्ट. हियर वी अप्लाइड एफएक्स ऑन डेल्टा. डेल्टा एफएक्स बाय द डिफिनेशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर वी कैन राइट दिस टर्म एज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू. बाय द डिफिनेशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वन बाई टू इंटू एच. वन बाई टू एच यहां पे देखिए एच के साथ यहां पे इंटू है वन बाई टू. इसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं ई टू द पावर वन बाई टू एफ एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस वन बाई टू एफ एक्स. यहां पे माइनस एच बाई टू मीन्स माइनस वन बाई टू इंटू एच. यानी एच के साथ यहां पे जो इंटू है उसको हम लोग यहां पे पावर में डाल सकते हैं. और उसके बाद देखिए यहां पे एफ एक्स यहां भी है एफ एक्स यहां भी है. हम लोग कॉमन ऑपरेटर की तरह इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं लीनियर ऑपरेटर की तरह. तो ई टू द पावर वन बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस वन बाई टू एफ एक्स. एंड वी कैन राइट दिस टर्म एज डेल्टा इज इक्वल टू ई टू द पावर वन बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस वन बाई टू. एंड इट इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर. नोट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इफ यू अप्लाई डेल्टा ऑन ए पार्टिकुलर कॉन्स्टेंट डेल्टा सी दिस इक्वल टू जीरो मीन्स डेल्टा टू कहीं पे आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को किसी कॉन्स्टेंट पे अगर अप्लाई करना पड़े चाहे टू हो थ्री हो फोर हो फाइव हो कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट हम लोग जीरो लिखेंगे. और क्यों लिखेंगे क्योंकि देखिए दो डेफिनेशन है. डेल्टा एफ एक्स किसी भी फंक्शन पे अगर एक्स का जो कोई फंक्शन है उस पर अगर अप्लाई करते हैं तो क्या करता है उसमें एच जोड़ता है और माइनस करने के बाद अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रखता है. ए डेफिनेशन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का. तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर टू यहां पर एक्स का कोई टर्म है ही नहीं. तो जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो एज इट इज इसमें कुछ ऐड लिखा है कि यहां पे एक्स का फंक्शन इसके लिए हम लोग उसमें कोई कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है एक्स का कोई टर्म है नहीं. तो टू और माइनस इसका अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है टू माइनस टू इक्वल टू जीरो. यानी इसमें हम लोग एच को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे कोई एक्स का टर्म है कोई एक्स का फंक्शन नहीं है सिंपल सा कोई कॉन्स्टेंट है इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और माइनस का फंक्शन के ओरिजिनल फॉर्म को रखते हैं तो इसके रिजल्ट को हम लोग जीरो लिखेंगे. यानी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी कैन अप्लाई इन द नेक्स्ट क्लास इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. थैंक यू.